तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम काली नेट हंटर को कैसे रन करवा सकते हैं अपने डिवाइस पर, वो भी विथआउट रूट और विथआउट कस्टम रिकवरी के, और हम उसका कैसे यूज ले सकते हैं जीयूआई में, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में टर्मक्स इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेरे सिस्टम में टर्मक्स इंस्टॉल है, तो यहाँ पर मैं टर्मक्स को अपडेट करूँगा और अपग्रेड करूँगा। तो आप भी अपने टर्मक्स को अपडेट और अपग्रेड करें। तो यहाँ पर मैं कमांड दूंगा पैकेज अपडेट एंड पैकेज अपग्रेड। तो इसे अपडेट करने के बाद यहाँ पर मैं टर्मक्स को स्टोरेज की परमिशन दूंगा। तो आप भी अपने टर्मक्स को स्टोरेज की परमिशन दें। तो यहाँ पर मैं कमांड दूंगा टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, उसके बाद मैं यस करूँगा और यहाँ पर अलो कर दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करना है। तो ये पैकेज मेरे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल है, तो आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लें, पैकेज इंस्टॉल डब्ल्यू गेट। तो ये पैकेज आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे कॉपी करें। तो इस लिंक की मदद से आप जो काली नेट हंटर का स्क्रिप्ट है आप उसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये स्क्रिप्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो अभी मैं इस स्क्रिप्ट को परमिशन दूंगा। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसे परमिशन दूंगा CHMOD+X। उसके बाद इस स्क्रिप्ट को पेस्ट करूँगा, उसे अभी इंटर करूँगा। अब इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करवाऊँगा। तो ये स्क्रिप्ट मैंने पहले डाउनलोड किया था, इसलिए ये पूछ रहा है मुझसे। तो यहाँ पर मैं यस कर दूंगा, जो मेरा पिछला डायरेक्टरी था वो डिलीट हो जाएगा। तो ये परमिशन आपसे नहीं लेगा, क्योंकि अगर आपने पहली बार अगर आप काली को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये परमिशन आपसे नहीं लेगा। उसके बाद जो हमारा काली है, काली नेट हंटर का जो फाइल है, वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके इंटरनेट के स्पीड पर डिपेंड करता है। तो जितना आपका इंटरनेट की स्पीड जो है वो तेज़ होगा, उतनी जल्दी फाइल डाउनलोड होगी। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्किप करूँगा। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड होने के बाद खुद ही एक्सट्रैक्ट होगा, तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना, ये खुद ही एक्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो कितना फास्ट है। तो ये खुद ही एक्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको, अगर आपको फाइल जो आपने डाउनलोड की उससे आपको डिलीट करना है तो यस करें, वरना नो कर दें। तो यहाँ पर मैं उसे डिलीट नहीं करूँगा। तो यहाँ से आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर आपको नेट हंटर CLI में चलाना है तो यहाँ पर आप नेट हंटर लिखेंगे तो CLI में चल जाएगा यहाँ पर टर्मक्स में। अगर हमें यहाँ पर इसका GUI भी यूज़ करना है तो यहाँ पर हम नेट हंटर के इसका पासवर्ड जो है वो यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड सेट करूँगा। तो यहाँ पर मैं नेट हंटर केक्स पासवर्ड लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड दूंगा, तो आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक पासवर्ड दूंगा, उसको मैं वेरीफाई करवाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं काली नेट हंटर को रन करवाऊँगा CLI में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काली नेट हंटर CLI में चल चुका है। अगर आप इसको CLI में यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि कमांड लाइन में यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। अगर आप GUI में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, केक्स नेट हंटर केक्स। तो यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड करूँगा। तो आप क्रोम में जाएँ और वहाँ से इसे डाउनलोड करें।
तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। तो इस एप्लीकेशन की मदद से हम जो नेट हंटर है उसे GUI में यूज़ करेंगे। उसके बाद अभी हम जाएंगे टर्मक्स में जाएंगे। यहाँ पर मैं एक न्यू सेशन ओपन करूँगा। अगर आप GUI में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कमांड दें नेट हंटर केक्स एंड आप ये देकर एंटर करें तो जो आपका VNC सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। उसके बाद हम जाएंगे जो हमने केक्स नेट हंटर केक्स डाउनलोड किया था हम उसमें जो पासवर्ड हमने सेट किया था, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैं पासवर्ड लगाऊंगा। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो जो मेरा काली नेट हंटर है वो यहाँ पर GUI में स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके टूल्स भी हैं, तो आप अपने हिसाब से ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड के टूल्स हैं, पासवर्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स हैं इसमें, तो आप इसका GUI भी यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं मेटा एक्सप्लोइट है फ्रेमवर्क है, मैं उसे यहाँ पर रन करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं कमांड दूँगा MSF कॉन्सोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर सक्सेसफुली चल चुका है। तो आप ऐसे करके GUI में भी यूज़ लग सकते हैं और कमांड लाइन में भी यूज़ लग सकते हैं काली नेट हंटर का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।